नमस्कार, मैं दीक्षा जिस्टो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज है 3 अप्रैल और हम बात करेंगे देसी घी की बाजार की साप्ताहिक समीक्षा के बारे में। देसी घी और दूध पाउडर में तेजी के बाद व्यापार घटा है। गत सप्ताह देसी घी और दूध पाउडर में 5 से 10 रुपये प्रति किलो कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं, लेकिन बढ़े हुए भाव में ग्राहकी कमजोर रही, जिससे बाजारों में 200 से 300 रुपये नीचे भाव पर व्यापार हुआ और इसमें व्यापार बीते सप्ताह की तुलना में 15% और घट गया है। मौसम का तापमान फिर नीचे आ गया है, जिससे निकट भविष्य में तेजी नहीं लग रही है। आयोजित सप्ताह यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और प्रदेश के प्लांटों में कच्चे दूध की आपूर्ति में 7 से 8% की वृद्धि हो गई, क्योंकि मौसम का तापमान नीचे आ गया था। सप्ताह की शुरुआत में 5 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर दूध पाउडर के भाव कंपनियों ने प्रीमियम क्वालिटी के 345 से लेकर 350 रुपये प्रति किलो दर किए थे, लेकिन इन बड़े भाव में कोई विशेष व्यापार नहीं हुआ था। मौसम का तापमान उत्तर भारत में गिरे जाने से खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों की दूध पाउडर में मांग घटी। एक तरफ मौसम का तापमान गिर गया है, दूसरी ओर मार्च क्लोजिंग का प्रभाव रहा है। इन परिस्थितियों में कारोबारी अपना माल घटाकर बेचते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें दे सकें। इस तरह देसी घी के भाव कंपनी वाले प्रीमियम क्वालिटी के 8300 से लेकर 8500 रुपये प्रति टीन बोले रहे थे, लेकिन बाजार में वही माल 200 से 300 रुपये नीचे भाव पर बिकने की खबर थी। खारी, बावली, करोल बाग, जमुनापार सहित अधिकतर मंडियों में देसी घी प्रीमियम क्वालिटी का 30 प्लस वाला 8100-8300 रुपये प्रति टीन बोला गया, जबकि सैंपल 7000 से लेकर 7200 रुपये के आसपास बिकने की खबर थी। वास्तविकता यही है कि लिक्विड दूध 53 रुपये प्रति लीटर में बिकने से कंपनियों को उत्पादन लागत महंगी लग रही है, लेकिन बाजारों में मिलावटी माल की भरमार है, जिसे हलवाई और मंदिरों पर प्रसाद हेतु शुद्ध देसी घी बिकता था, प्रतिष्ठित दुकानों से अब नहीं जा रहा है। मिलावटी करने वाले ठिकाना बहुत में मंदे भाव में माल बेच रहे हैं। यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि सारी बावली से जो नामी गिरामी मिठाई निर्माताओं के पास देसी घी जाते थे, वे भी बिकने खत्म हो गए हैं। उस पर ही मिलावट करने वालों ने कब्जा कर लिया है और किसी ब्रांड का माल बनाकर बेचने लगे हैं, जिससे वास्तविक व्यापार देसी घी का बहुत कम हो गया है। किसी पेड़ जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।